नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैभव आपके लिए एक मज़ेदार चीज़ लेकर आया। अगर आप कई सारे लोगों का डेटा एक साथ निकालना चाहते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड, आई कार्ड और बहुत सारी चीज़ें, तो आप एक्सेल के जरिए एमएस वर्ड से ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको कॉलम वाइज ऐसे डेटा सेव करना है और इसे अपनी कहीं भी डेस्कटॉप पे या कहीं भी सेव कर देना। मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे से या लोकल डिस्क डी में, यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम एक्सेल 123 नाम से सेव करता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें एमएस वर्ड पे जाना है और एक फॉर्मेट बनाना है जिस टाइप का हमें एडमिट कार्ड चाहिए। जो जो चीज़ें कंपलसरी हैं वो हमें अपने यहाँ पे लिख के रखनी है और जो चीज़ें हमारी सबकी वैल्यूबल चेंज होने वाली हैं वो चीज़ें हमें एक्सेल में सेव करनी है। तो मैंने एक्सेल में रोल नंबर, नेम, फादर नेम, DOB, क्या क्या सब्जेक्ट हैं बच्चों पे, वो सब एक्सेल में रख दिया है। डिक्लेरेशन सबके लिए सेम है तो MS वर्ड पे रखी है, और कॉलेज का नाम सबके लिए सेम है तो वो भी मैंने इस पे रख दिया MS वर्ड। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, मेलिंग पे जाना है, सेलेक्ट रिसिपिएंट पे जाना है, यहाँ से यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाकर अपनी एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करना है जिसमें आपने डेटा सेव किया है। अब मैंने एक्सेल 123 नाम से सेव किया है तो अपनी फ़ाइल को सर्च करता हूँ यहाँ से। ये मेरी फ़ाइल है और जिस सीट पे मैंने डेटा रखा है उस सीट को सेलेक्ट करना है। मैंने सीट नंबर 22 पे डेटा रखा है तो मैं अपनी सीट 22 पे रखता हूँ। आपने जिस सीट पे रखा हो उसको सेलेक्ट करना, ओके कर देना। इसके बाद नॉर्मली आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाना है और रोल नंबर के आगे रोल नंबर चाहिए हमें तो इसके आगे रोल नंबर को ऐड कर देना है। नेम के आगे नेम चाहिए तो यहाँ से नेम को ऐड कर देना है। फादर नेम के आगे फादर नेम चाहिए तो फादर नेम इंसर्ट करा दिया। DOB के आगे मैन, मैं DOB के आगे DOB को DOB करता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 के नीचे सब्जेक्ट 2, इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड देन सब्जेक्ट 5। अब मेरा सारा डेटा इंसर्ट हो गया जो एक्सेल से लाना है। उसके बाद फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करना और दोस्तों एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के बच्चों का डेटा चाहिए तो 1 से 10 तक लिख देंगे और आ जाएगा, और सारे बच्चों का चाहिए तो ऑल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने डेटा रखा था एक्सेल पे वो सारा प्रिंट आउट होके आ गया है, प्रति पेज एक बच्चे का इस टाइप से। देखिए मैंने रोल नंबर 1 पे दीपक का डेटा रखा है। एक्सेल में जाके चेक करते हैं, रोल नंबर 1 दीपक है, पापा का नाम संजय है, DOB है, ये ऐसी सेम एक्सेल में हमारी फाइल MS वर्ड में आ गई है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।